नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बूटी काकी और जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे लेखक थे। उनका जन्म सन 1880 में और निधन सन 1936 में हुआ था। तो हम सबसे पहले प्रेमचंद जी का अभ्यास करेंगे। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व थे। तो प्रेमचंद जी, जिनका मूल नाम धनपत राय था और वे हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े श्रेष्ठ उपन्यासकार थे। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानी और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की भी रचना की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार, तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। तो इसी तरह प्रेमचंद्र जी ने निबंध, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास आदि में अपना योगदान दिया हुआ है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो अब बूढ़ी काकी शीर्षक देखते ही हमें पता चलता है कि ये जो उपन्यास है इसमें क्या होगा। बूढ़ी काकी यानी कि एक वृद्ध स्त्री की बात की गई है। तो कौन है ये बूढ़ी काकी और उनके बारे में प्रेमचंद जी हमें क्या बताना चाहते हैं, तो ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। प्रेमचंद जी सबसे पहले ही क्या कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन यानी कि पुनरावर्तन होता है, कि जैसे बच्चे बचपन में होते हैं वैसे ही बुढ़ापे में बुढ़े भी होते हैं, वो बच्चों के भांति ही होते हैं। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई और चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर रोना यानी कि बहुत जोर जोर से रोना। तो बूढ़ी काकी क्या थी, वो चल नहीं पा रही थी। उनके हाथ, पैर, नेत्र आदि समस्त इंद्रियां काम करना बंद कर चुके थे और वो क्या करती, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, यानी कि बूढ़ी काकी विधवा थी। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, उनके बेटे थे लेकिन वो भी मर चुके थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग। तो उनका जो भतीजा था उसका नाम था बुद्धिराम, और बुद्धिराम ने क्या किया था, बूढ़ी काकी की जो संपत्ति थी वो उसने अपने नाम लिखवा दी थी। अब संपत्ति अपने नाम लिखवाते वक्त बुद्धिराम ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, सब्ज बाग यानी कि झूठे सपने। तो उसने वादे तो बहुत किए थे पर वो उसे निभा नहीं रहा था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था।
यानी कि जो बूढ़ी काकी की संपत्ति बुद्धिराम ने अपने नाम पर की हुई थी उससे बुद्धिराम को वार्षिक बहुत सारे पैसे मिलते थे, पर फिर भी बूढ़ी काकी को वो पेट भरकर भोजन भी नहीं देता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, विद्वेष यानी कि नफरत। और फिर जब माता पिता का यह रंग दिखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता यानी कि पानी उड़ेल देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब बुद्धिराम के जो लड़के थे वो भी क्या करते थे, बूढ़ी काकी को हर वक्त परेशान किया करते थे। और बूढ़ी काकी रोती लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको यही लगता कि वो सिर्फ खाने के लिए ही रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। अनुराग यानी कि प्रेम। तो इस घर में सबसे ज्यादा बूढ़ी काकी को कौन प्रेम करता था, तो बुद्धिराम की बेटी लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अब लाडली क्या करती थी, उसे जो खाना मिलता था वह बूढ़ी काकी के पास ले जाकर खाती थी। क्यों? क्योंकि उसके भाई थे, वो भी उससे खाना ले लेते थे। बूढ़ी काकी भी मांगती थी, पर जो भाई छीन लेते थे उसके कारण जो लाडली थी वह सिर्फ बूढ़ी काकी के पास आकर अपना खाना खाती थी। अब रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। अब कहानी की जो मूल बात है वो प्रकट हो रही है कि एक रात का समय था और बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रसंग है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, तो बुद्धिराम का जो बड़ा लड़का है मुखराम उसका आज तिलक आया हुआ है, यानी कि आज उसकी सगाई है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। रूपा यानी कि बुद्धिराम की पत्नी और मुखराम की माँ। भट्ठियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी, घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब घर में प्रसंग है तो क्या हो रहा है, खाना पक रहा है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ऐसे ही भट्ठों पर कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी, एक में से पूड़ियाँ निकल रही थी, एक में से कचौड़ियाँ निकल रही थी, और घी और मसालों की सुगंध है जो चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। अब ये जो खाने की सुगंध आ रही थी वो उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर क्यों हो गई, भोजन लेकर कोई नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी। अब बूढ़ी काकी को सिर्फ खाने की खुशबू आ रही थी, उनका मन बेचैन हो रहा था और उन्हें ये लगता था कि सब लोग खाना खा चुके लेकिन मुझे किसी ने खाना दिया नहीं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी, एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती। अब बूढ़ी काकी जो है उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, पूड़िया ऐसी होगी, कचौड़िया ऐसी होगी, उसमें अजवाइन और इलायची डाली होगी, ये सारी सोच बूढ़ी काकी की थी। क्यों ना चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं? इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से
चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। अब बूढ़ी काकी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो ना मैं भी कड़ाह के सामने ही जाकर बैठती हूँ। तो वो कैसे गई, उकड़ू बैठकर, यानी कि दोनों पैर और दोनों हाथों के सहारों पर रेंगती हुई गई। क्यों, क्योंकि वो अपने पैरों पर से नहीं चल सकती थी। और उन्होंने क्या किया, ऐसे कड़ाह के सामने जाकर वो बैठ गई। तो कैसा लगता था, जैसे भूखा कुत्ता खाने वाले के सम्मुख बैठता है और उसे जो संतोष होता है वही संतोष बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठने से हो रहा था। अब आगे क्या होता है, बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, व्याकुल यानी कि परेशान। झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो वो जल उठी। अब घर में शादी का माहौल था, इसलिए जो उसकी माँ थी उसे तो हर तरह से चिंता होती ही है। और ऐसे में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो वो एकदम क्रोध से तिल मिला उठी। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक कैचुए पर झपटता है उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बाढ़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। अब रूपा ने बूढ़ी काकी को देखा तो वो जैसे कैचुआ झपटता है, मेंढक कैचुए पर झपटता है, उसी तरह रूपा भी बूढ़ी काकी पर ताड़ुकने लगी और क्या कहने लगी कि अभी तक तो भगवान को भी भोग नहीं लगा है, मेहमानों ने भी नहीं खाया है और तुमसे अब तक भी राह नहीं देखी गई। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई और ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तले पड़ गई और मेहमान खाने लगे। रूपा ने डांटा तो बूढ़ी काकी फिर से रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। अब आपको पता चलता है कि बूढ़ी काकी कितनी अच्छी है, उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं आ रहा था, पर क्या हो रहा था, दुख हो रहा था। किस बात का, कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों की, मैं पहले से ही वहां पर क्यों चली गई। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे, मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। अब बूढ़ी काकी ने एक निश्चय कर लिया, क्या, कि अब मुझे जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं वहां जाऊंगी नहीं। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चीट गई है, क्या जाने न भी बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। अब बूढ़ी काकी के मन में फिर से विचार आने लगे कि अब रूपा मुझसे गुस्सा हो गई है तो शायद मुझे बुलाएगी भी नहीं, इसलिए क्या हुआ, बूढ़ी काकी फिर से वहां जाने के लिए तैयार हो गई। यह विश्वास है कि एक मिनट में पूड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी, मन में तो एक दृढ़ विश्वास है कि जब वहां जाऊंगी तो सामने पूड़िया और कचौड़ियां मेरे सामने आ जाएगी। उनकी स्वादेंद्रिया गुदगुदाने लगी, यह विश्वास है कि एक मिनट में पूड़िया और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी, उनकी स्वादेंद्रिया गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले सब्जी से पूड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। अब वो सोच रही है कि मैं इस तरह से खाऊंगी, मैं इस तरह से खाऊंगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला।
मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी ने क्या सोचा कि चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा, पर मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना कि लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या कहा करे। इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मोज उठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अब बूढ़ी काकी ने सोचा कि इतने दिनों के बाद जब मुझे पुड़िया मिलेगी तो मोज उठा कर नहीं उठूंगी, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। अब बूढ़ी काकी फिर से वहां पर आई जहां पर कड़ा चढ़े हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि अभी तक तो मेहमान खाना खा रहे थे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गई, क्रोध से दिल मिला जाना यानी कि बहुत गुस्सा आना। लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। तो बुद्धिराम ने क्या किया, ऐसे ही काकी को दोनों हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए फिर से कोठरी में जाकर दे पटका। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने भी न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लज्जता यानी कि बेशर्मी। तो जो बुद्धिराम और रूपा थे उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था क्या, कि बूढ़ी काकी जो ये दो बार सबके सामने आ गई थी इस बेशर्मी के लिए उन्हें दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई, करुणा यानी कि दया। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। अब बूढ़ी काकी के लिए किसी को भी दया नहीं आ रही थी, लेकिन वो जो बुद्धिराम की लड़की लाडली थी उसे क्या हो रहा था, वो सिर्फ बूढ़ी काकी के लिए परेशान यानी कि चिंतित हो रही थी। अब लाडली क्या करेंगी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर होना यानी कि व्याकुल होना। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अब हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं। अब जो लाडली थी उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। वो सोच रही थी कि अगर मेहमानों के पहले ही बूढ़ी काकी ने खाना खा लिया तो क्या हो जाएगा, और फिर क्या सोचती थी कि बहुत सारी पूड़ियाँ लेकर सब उन्हें क्यों नहीं दे देते खाने के लिए। ऐसे अच्छे अच्छे विचार लाडली के मन में आ रहे थे, और लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ भी नहीं खाई थी। रात के 11 बज गए थे, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी, क्यों, क्योंकि उसे बूढ़ी काकी के पास जाना था। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा, और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वे मूर्छित हो गई। जब बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को पटका था उसी वक्त बूढ़ी काकी मूर्छित यानी कि बेहोश हो गई थी। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। उन्हें पता चल गया कि अब मुझे खाना नहीं मिलेगा। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती ना थी।
सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे लाडली बूढ़ी काकी के लिए पुड़िया लेकर आई है। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर खाया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। तो जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्माहट पैदा करती है, उसी तरह बूटी काकी को थोड़ी सी पुड़िया मिली तो उन्हें क्या हुआ, उनकी क्षुधा यानी कि उनकी भूख और उनकी जो खाना खाने की इच्छा थी वो और उत्तेजित हो गई। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन यानी कि जो पुड़िया थी उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे बोलते हैं खुरचन। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि और पुड़िया मैं कहाँ से लाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अब बूढ़ी काकी ने अपने मन में कुछ सोचा और उसने लाडली से कहा कि मुझे वहां लेकर चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी, यानी कि लाडली को नहीं पता चल रहा था कि बूढ़ी काकी क्या सोच रही है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। तो इस तरह लाडली काकी का हाथ पकड़कर उन्हें वहां ले जाती है। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों की झूठी पत्तले चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। अब आप देख रहे हैं कि कैसे बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों में से लोगों का जूठा खाना जो बचा हुआ है उसे खा रही है। बूढ़ी काकी जो उन्हें पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो अनुचित है, मैं किसी का जूठा खाना खा रही हूँ, पर फिर भी वो खा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो सारी इच्छा थी वो सारी इच्छा अपनी सिर्फ एक ही केंद्र पर आ गई थी और वो थी स्वादेंद्रिय। उन्हें सिर्फ खाना खाना था। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली, यानी कि बुद्धिराम की पत्नी जो सो रही थी वो जाग गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौक गई वो और फिर चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। अब वो जो दृश्य था कि काकी जूठी पत्तलों में से खाना खा रही है वह रूपा ने देखा। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है, यानी कि संसार पर कोई मुसीबत आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा, यानी कि जहां पर आपको शोक होता है, जहां पर आपको दुख होता है, वहां पर गुस्सा और क्रोध नहीं आ सकता। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई।
इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। गगनमंडल की ओर यानी कि आकाश की ओर रूपा ने देखा और दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा से विनंती की कि हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो और ये जो अधर्म हुआ है इसका दंड मुझे मत देना। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हो, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गति और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। अब रूपा ने सोचा कि जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक 200 रुपये से भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं उसकी यह दुर्गति और वो भी मेरे कारण कि उसे पेट पर खाना भी नहीं मिलता। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सद इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो जैसे बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें मिठाई मिलती है तो वो हमने उन्हें जो मारा होता है उनको जो तिरस्कार मिला हुआ होता है वो सब भूल जाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी को जब खाना मिला तो उसकी जो उपेक्षा हुई थी वो सब कुछ वह भूल गई और क्या करने लगी, उसके रोए रोए से सच्ची सद इच्छाएं निकल रही थी, यानी कि उसके रोए रोए से सिर्फ दुआएं निकल रही थी और यह जो दृश्य था एक स्वर्गीय दृश्य था। तो हमें क्या करना है कि बूढ़ों को उपेक्षित नहीं करना है, जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं, जैसे हम बच्चों को लाड लड़ाते हैं, उसी तरह हमें बूढ़ों को भी प्यार की नज़र से देखना है। आभार।